रायबरेली के जनपद में पुलिस ने युवती की हत्या का बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। बीते 26 फरवरी को गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक युवती की हत्या उसके मंगेतर ने ही की थी और उसके बाद उसके शव को बाइक से लाकर गांव के बाहर फेंक दिया था। हत्यारोपी मंगेतर का कहना है कि वह होने वाली पत्नी की बढ़ती मांगों से परेशान हो चुका था, इसलिए जान से मार डाला। बता दें कि बीती 26 फरवरी को गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के बदई का पूर्वा गांव के पूरे फतेह सिंह का पूर्वा गांव के बाहर सारिका यादव नाम की युवती का शव मिला था, जिसकी शादी आगामी 1 मार्च को होनी थी। मृतिका अपने फूफा के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी और हत्या वाले दिन अपने मंगेतर के साथ खरीदारी करने गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी तो शक की सुई मृतका के मंगेतर मंतोष यादव की तरफ घूमी, क्योंकि मृतका आखिरी बार उसी के साथ ही देखी गई थी। गुरुबख्श थाना पुलिस और स्वाट टीम ने जब आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आया, जो बेहद चौंकाने वाला था। मृतका के मंगेतर मंतोष यादव का अपनी होने वाली पत्नी के साथ अफेयर था, जिसके बाद घर वालों ने दोनों की शादी तय कर दी थी। मंतोष ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसे शक था कि उसकी मंगेतर का किसी दूसरे के साथ भी अफेयर है। इसके साथ ही वो उस पर नर्सिंग की पढ़ाई और स्कूटी की मांग का भी दबाव बना रही थी। उसका कहना है कि इस तरह के अनावश्यक दबाव से परेशान होकर उसने अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने बताया कि वारदात वाले दिन दोनों ने खरीदारी की। इसी बीच मंतोष मौका पाकर सारिका को रतापुर के पास एक खाली कमरे में ले गया और वहीं पर उसने उसकी हत्या कर दी और फिर अपने ममेरे भाई के साथ बाइक पर मृतका को बचाकर गांव के बाहर उसका शव छोड़ाया। आरोपी ने मृतका को पहले सल्फास खिलाया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हमारे नेता अमित शाह जी और देश के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोनिया गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति के यहाँ जा करके उन्होंने असफल व्यक्तित्व असफल नेतृत्व तो बताते हुए इस्तीफे की मांग की है। चिराग तले अंधेरा, सोनिया गांधी जी रायबरेली में एक असफल सांसद हैं, पूरा रायबरेली जानता है, और सफलता की प्रतिमूर्ति हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक दिशा दी है। हम लोग जानते हैं सोनिया गांधी जी रायबरेली के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन रायबरेली के लोगों के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। एक सांसद का काम क्या होता है? सांसद को जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से मासिक वेतन दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लोकसभा में उठाएंगी। कितना दुर्भाग्य है कि सोनिया गांधी जी आज तक कभी लोकसभा में रायबरेली की बात नहीं उठाई और असफल उनको बता रही हैं जिन्होंने वो काम किया है जो 132 साल की कांग्रेस और 4 पीढ़ी का गांधी नेहरू खानदान कभी नहीं कर पाया। वो काम अमित शाह जी ने किया है, 1 साल के भीतर देशवासियों को भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीना, सम्मान के साथ जीना सिखाया है। सीना चौड़ा करके आज भारतीय नागरिक पूरे देशों में विदेशों में देखा जाता है, सम्मान पाता है। मैं जानता हूं सोनिया गांधी जी ने जो इस्तीफा मांगा है, ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि कौन असफल है कौन सफलता है, बड़ी बहस का मुद्दा है। लेकिन इस्तीफा मांगने के लिए भी उनको नकल करने की जरूरत पड़ी, उतनी भी अकल हमारे सांसद के पास नहीं है कि इस्तीफा वो अपनी अकल से मांग लेती। उन्होंने पढ़ करके, किसी की स्क्रिप्ट पढ़ करके उन्होंने हमारे देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। मैं समझता हूँ सफल कौन है असफल कौन है इसका प्रतीक वो मजबून होगा जो किसी बाबू ने लिखा होगा। एक सांसद को शर्म आनी चाहिए कि बाबू की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ करके वो किसी को क्रिटिसाइज करता है, किसी के बारे में कुछ कहता है। उसके लिए लिखने के लिए कोई बाबू होना चाहिए। ये हमारे सांसद हैं तो असफल सांसद हैं। मैं चाहता हूँ अगर सोनिया गांधी में जरा सी नैतिकता है तो वो इस्तीफा दें,
इस्तीफा गृह मंत्री को देने की जरूरत नहीं है। आज अगर देश में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की स्थापित है तो उसकी देन है मोदी जी अमित शाह जी। लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस अगर होती तो आज हिंदी हिंदू हिंदुस्तान तीनों चीज़ें हमारे देश से खत्म हो जाती। इसी का विरोध है जो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और रायबरेली से आवाज़ देना चाहते हैं। अमित शाह जी आप घबराइएगा नहीं, रायबरेली गांधी खानदान की बपौती नहीं है, ये अब मोदी योगी और अमित शाह की रायबरेली है और रायबरेली में अगला कमल खिलेगा जो फिर से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएगा। ये सोनिया प्रियंका मुर्दाबाद के जो पट्टियां हैं, हाँ सोनिया गांधी प्रियंका गांधी मुर्दाबाद के नारे इसलिए हमारी जनता रायबरेली के लोग लगा रहे हैं कि उन्होंने देश के यशस्वी गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है और उन्हें असफल बताया है, जबकि असफल हैं सोनिया गांधी प्रियंका गांधी जिन्होंने रायबरेली के लोगों का वोट ठग करके कांग्रेस का काम कर रही हैं, राजनीति का काम कर रही हैं, लेकिन रायबरेली वासियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। रायबरेली की जनता के लिए जो करना चाहिए तो वो कुछ नहीं किया, इसलिए रायबरेली के लोग सोनिया गांधी प्रियंका गांधी मुर्दाबाद और उनका विरोध प्रतीकात्मक कर रहे हैं। जी देखिए, ये 26 तारीख को हमें सूचना आई थी कि एक पीड़िता एक युवती की बॉडी थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र में पड़ी हुई है। तत्काल हमारी टीम फॉरेंसिक टीम मौके पे गई, उन्होंने वहाँ से एविडेंस उठाए, पीएम के लिए भेजा गया, तो पीएम के रिपोर्ट के आधार पे हमें जो आया उससे ये आइडिया मिला कि संभवतः इसको जहर देके अथवा गला घोट के मारा गया है। जब हमने इसके पीड़िता के परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया पूरा घटनाक्रम, उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व ये जिस व्यक्ति के साथ इसकी शादी तय हुई थी, 1 मार्च को उसकी शादी होनी थी, उससे मिलने गई थी। तो हमने जब इस पूरे प्रकरण की पड़ताल की तो हमें इस संज्ञान में इसमें आया है कि एक मनोतोष कुमार यादव है जिसके साथ इसकी शादी तय हुई थी और ये इसको 4 साल से ज़्यादा समय से जानता है और कहीं ना कहीं शादी तो तय हो गई थी लेकिन इनके बीच में संबंध बहुत मधुर नहीं थे, एक दूसरे पे शंका करते थे और इनको लगता था कि विशेष रूप से इस अभियुक्त को लगता था लड़की के बारे में कि किसी और से इसकी बातचीत होती है। अन्य भी कारण इसके द्वारा बताए गए हैं, इसके द्वारा बताया गया है कि उसके तरफ से एक अन्यथा दबाव इस पर रहता था, ट्रेनिंग नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए भी वो दबाव इस पर डाल रही थी और कुछ खरीदारी के लिए भी जैसे स्कूटी और अन्य कपड़े गहने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दबाव में था, मानसिक रूप से परेशान था और इसने उस दिन ये मन बनाया कि कैसे भी करके इस लड़की को हमें अपने रास्ते से हटाना है। इस उद्देश्य के साथ इसने इसको बुलाया और कई दुकानों में घूमे शॉपिंग के बहाने, फिर ये एक खाली पड़े घर जो ये बताता है कि रिश्तेदार का था रतापुर के पास बताया गया इसके द्वारा, इसको शिनाख्त वो पड़ताल करेंगे, वहाँ पर ले जाके इसने इसको धोखे से पहले नींद की गोलियाँ दे दी, जब ये थोड़ी इसकी स्थिति ख़राब हुई तो दवाई के नाम पे इसको सल्फास दे दिया, जब ये एकदम बेसुध हो गई तो इसने अपने ममेरे भाई रविंद्र कुमार इस सहयोग से इसका गला दबा दिया और सुनिश्चित किया कि ये पूरी तरीके से मृत हो चुकी है और फिर बॉडी को इन्होंने दोनों ने बाइक में उठा के जहाँ पर बॉडी फाइनली बरामद हुई वहाँ पर फेंक दिया। ये पूरा ट्रैक हमें जब पता लगा, फिर हमने सर्विलेंस से वेरीफाई कराया, लोकेशन वेरीफाई कराई तो पूरा ट्रैक हमें कंफर्म हो गया। जैसे ही सर्विलेंस से इस बात की पुष्टि हुई हमने तत्काल इसको अपने गिरफ्त में लिया और इसके द्वारा पूरी घटना को कबूल लिया गया। दोनों अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा जा रहा है और इसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मृतका का मोबाइल फ़ोन, नींद के गोली के रैपर और सल्फास की डिब्बी बरामद हुई है और हमारी टीम द्वारा इसमें अच्छा काम किया गया है, इनको तब समय हमारे द्वारा पुरस्कृत किया जाए। सर बॉडी कितनी देर रात में भेजी गई थी, क्या बताएं? देखिए रात्रि लगभग मध्य रात्रि के आसपास, हाँ 12:30-1 के आसपास बॉडी फेंकी गई, लेकिन जो हमारा अनुमान है एक्चुअल घटना का वो लगभग 10 बजे के आसपास। सर सल्फास की डिब्बी कहाँ पर बरामद हुई? सल्फास की डिब्बी अभियुक्त के पास ही बरामद हुई, अभियुक्त के पास ही बरामद हुई है, जो भी सामान है वो अभियुक्त के पास। सर शादी के लिए ना भी कर सकता था? हाँ आप देखिए, ये एक माइंडसेट है अपराधी का, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने पूर्व में भी देखे ऐसे प्रकरण, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है लेकिन घटनाएं बड़ी हो जाती हैं, चाहे वो किसी के निजी संबंध हो, चाहे कोई मानसिक असुविधा।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.